नमस्ते, मैं हूँ पाल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है हर्ष गोयंका जी के लिए। जी हाँ, हम सबको पता है कि वो कोई ऐसे वैसे खेत की मूली नहीं है, काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी है। तो जब ऐसे इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल आदमी कोई बहुत ही ज्यादा स्टूपिड सा ट्वीट करते हैं तो हम जैसे लोगों को बहुत मजा आता है, जिनके ऊपर आरोप है कि हम व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन पढ़कर उसका वीडियो बनाते हैं। तो हर्ष गोयंका जी, हम सबको पता है कि महाराष्ट्र में नशा है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा नशा है, किस प्रकार का नशा है, सस्ता नशा है, बट नशा है ये हम सबको पता है, क्योंकि बहुत सारे छापे मारे हैं एनसीबी ने। अब वही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया था इन ड्रग रिलेटेड केसेस फॉर ड्रग कंजम्पशन एंड ड्रग प्रोक्योरमेंट। रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट अभी तक फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड चार्जेस के ऊपर नहीं हुआ, जैसा आपने अपने ट्वीट में कहा है, क्योंकि आपने कहा कि जैसे रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड चार्जेस हुआ, वैसे अर्णब गोस्वामी का अरेस्ट फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड चार्जेस हुआ, और ये अर्णब गोस्वामी का कर्मा है। तो अर्णब गोस्वामी का जो अरेस्ट हुआ ना, दैट इज ऑन द केस जो शट था 2 साल पहले, और अब उसका जो अरेस्ट हुआ है ना, दैट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। एंड दूसरी बात, आपने ये जो कर्मा की कंपैरिजन की है ना बिटवीन रियाज अरेस्ट एंड अर्णब्स अरेस्ट, दैट इज कंप्लीटली इलॉजिकल, दैट इज सो स्टूपिड, बिकॉज रिया को अभी तक अबेटमेंट टू सुसाइड चार्जेस पे अरेस्ट ही नहीं किया गया। आई होप आपको समझ पड़ गया हो, और आगे से है ना ऐसा सस्ता नशा नहीं करते। आई नो महाराष्ट्र में नशा है एंड बहुत सारे छापे लग रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, बहुत सारे बॉलीवुड कनेक्शंस बाहर आ रहे हैं जो ऐसा नशा करते हैं, या यू नो दे आर लिंक्ड टू दैट नशा, बट प्लीज आप अपने आप को ऐसे मत एक्सपोज करिए। यू सपोज टू बी इंटेलेक्चुअल, यू सपोज टू बी इंटेलिजेंट, बट यू आर कमिंग अक्रॉस एज डम एंड स्टूपिड, वर्स देन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। नमस्ते।